ईद की शॉपिंग हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं। ओ ये देखो तुम्हारे अब्बू का इम्तिहान बुन लिया था और मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूं। ये क्लियर देखिए आपको मैं कैसी आई और रेडनेस रेडनेस कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक मैं जबरदस्ती ऑफर लाई हूँ, मैं नहीं ज़ोबिया शहर के पेज पर आ रही है, जो आप लोगों को मेरे बराबर में यहाँ पे दिख रहे स्क्रीन पर। इस पेज को आप लोगों ने जाकर फॉलो करना है और रात 9 बजे यहाँ पर लाइव सेशन होने वाला है। 1 वीक की जो है ये सेल है, बकरा ईद के लिए लगी है। कॉस्मेटिक यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त सा और रीजनेबल मिल रहा है। आप लोगों को पता है कि कॉस्मेटिक पे कितना ज्यादा टैक्स लग चुका है, जबकि आपको यहाँ पे होलसेल रेट में मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पर सेल भी लगी है। तो जब होलसेल रेट पर सेल लगेगी तो सोचो कितना जबरदस्त सा ये ऑफर होगी। आप लोगों ने इससे भरपूर फायदा उठाना है, इस पेज को फॉलो कर लें। उसके अलावा एक और खुशखबरी मैं आप लोगों को सुना दूं कि राबिया बिलाल के रेफरेंस से जो लोग यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे उन लोगों के लिए बेहतरीन सा गिफ्ट होगा उनके पार्सल में। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाएं लाइव सेशन ज्वाइन करें और अपना ऑर्डर प्लेस करके गिफ्ट्स एंजॉय करें। अब हम शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो दिन का आगाज है वो एक काम था छोटा सा, तो हम लोग बाहर आए हुए थे और कड़क की धूप है इसलिए मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं। और जैसे ही काम से फारिग हुए इन्होंने नींबू पानी देखा है और अब हम यहाँ आके नींबू पानी पीने लगे हैं। तो बस ये कि छोटा सा काम था जिसे हमने करते ही बस ये कि अभी थोड़े देर में घर जाने वाले हैं। पहले हम पियेंगे नींबू पानी। नींबू होता है, नींबू होता है, नींबू इंडिया वाले नींबू कहते हैं, है ना? नींबू और नींबू नहीं, अब जाहिर है जबानों का फर्क है, जबानों का फर्क है। पर हम लोग ना व्लॉग्स वगैरह देख देख के, ड्रामे फिल्में देख देख के ना, तो अक्सर उन्हीं की जबान से आ जाता है लफ्ज वगैरह। पहले यहाँ पर बन रहा है नींबू पानी। पता क्या, बैठने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खड़ो के पीना पड़ रहा है। हालांकि पीने वाली चीज़ें जितनी होती है ना वो बैठ के पीनी चाहिए। कड़कती गर्मी में नींबू पानी पिए अच्छा लगा है और मौसम तो गर्म है, हवा भी है, ट्रैफिक भी है और मैं घर चल के मिलती हूँ और एकदम धूप हो जाती है, एकदम छाँव हो जाती है, सूरज आता है और जाता है, पता नहीं क्या चाहता है। अल्लाह करे बारिश हो जाए कराची में, क्योंकि कराची में बहुत हब्स और गुम्मा है। बस आप लोग भी दुआ करें जिस जिस जगह से है ना शहर का नाम लिख के हमारे लिए दुआ करेंगे, कराची वालों का अल्लाह मियां रहमत की बारिश बरसा दे। A few moments later. जी तो मैं घर आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सिद्रा आ चुकी है, कब आई हो? अभी आई हो, चलो अच्छी बात है आ गई हो। और बच्चे कहाँ पर हैं? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हैं मेरे बेबीज? अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, क्या बोला जी आप? मैं तो लोया ही नहीं, मिलो ये। 2000 years later. तो अभी भी मैं अम्मी के घर आई हूँ, अम्मी ने मुझे कॉल की थी, उन्हें दो चार काम थे, दो चार किया काम का खैर थे, तो मैं यहाँ आ गई और व्लॉग जो है वो अपलोडिंग पे था, ऑन नहीं किया। कैसी हो? हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है, क्या मजे का लगा जूस इसमें ना मैंगो गर्मियों में? पीच और मैंगो, मैंने कहा ना अच्छा। हाँ, और गर्मियों में जो है ना ड्रिंक कोई भी बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर मलाइका बैठी हुई है और भाभी कब से खड़ी है मेरे लिए जूस लेके। थैंक यू, जजाकल्ला भाई, जजाकल्ला। चलो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी तो बस अभी अम्मी के घर थे तो अभी भाई से बातें हो रही थी, वो चले गए वॉक करने और अम्मी और हम लोग अभी बैठे हुए थे। तो ये बच्चे अभी ट्यूशन से आए हैं और ये रूबी क्यूब के पीछे पागल हैं, उसी को लगे हुए बनाने। अगर यहाँ आती हूँ तो ये जनाब खिलर के चेड़े होके सो रहे हैं नानों के घर, और आज ये यहीं पर सो चुके हैं। और बस मैं थोड़ी देर में घर जा रही हूँ, इन्हें मैं यहीं पे सोने दूंगी, थोड़ी देर में जो है जैसे ही जागेगा तो कोई ना कोई घर ले आएगा। तो मैंने घर जाके खाना बनाना है और खाना मैंने अभी इस टाइम पे बनाना है, तो बस लेट्स सी कि मैं घर जा रही हूँ और घर जाके मुझे क्या क्या करना है ये तो मुझे खैर पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मैंने खाना बनाना है। तो मैं घर आ चुकी हूँ और आते ही मैंने सबसे पहले खाना बनाना शुरू किया। यहाँ मैंने मसाला वगैरह गोश्त गलने रख दिया है और यहाँ पर मैंने अरवी निकाली, साथ में मैंने ग्लव्स निकाल लिए हैं क्योंकि ये जो अरवी है ना ये हाथों पे इतनी ख़ारिश करती है और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। कहते हैं ऑयल लगा के आप अगर अरवी छीलते हैं तो ख़ारिश नहीं होती, पर मुझे ऑयल लगा कर भी करूँगी तो ख़ारिश होती है। तो मैं हमेशा शुरू से ग्लव्स वगैरह यूज़ करती हूँ या शॉपर हो, ग्लव्स ना हो ना घर पे तो शॉपर हाथों पे पहनती हूँ और बड़ी मुश्किल से थोड़ा छीलने होता है, पर ये कि छील लेती हूँ। फिलहाल ग्लव्स हैं तो ग्लव्स से ईजीली हो जाएगा। जी तो मैं ग्लव पहन रही हूँ और इतना मुश्किल हो रहा है, मैं पहन ही नहीं पा रही, कभी कभी पहनने होते हैं पर बड़ा ही मसला होता है यार ये तो। अब मैं आप सब लोगों से कहती हूँ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस दें बेल आइकन, तो मस्ट है, इस हाथ से कह रही हूँ। अच्छा
अच्छा लग रहा है ना। बाय बाय। खैर बाई नहीं आई अभी व्लॉग एंड नहीं हुआ, व्लॉग अभी थोड़ी देर में एंड करेंगे, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा देर में खाने का रिव्यू लेगा। हाँ मेरे व्लॉग में ज़्यादातर वैसे खाने का रिव्यू होता है क्योंकि मैं खाने वाने बनाती हूँ और फिर रिव्यू लेती हूँ। कैसे होगा भाई शुगर है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ वरना बंदा मरता मर जाता, ऑपरेशन उधर का उधर ही रह जाता, मेरे ग्लव ही नहीं पहनने में आते। वो उठा अब जा नहीं रहा, वो कुछ भी नहीं जा रहा, बोला ना शुगर है मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पहन लिए? अभी मेरा खाना ही बन रहा था तो हस्बैंड आ चुके हैं, अभी बैठे हुए थे तो मैंने चाय बना ली जल्दी जल्दी, और ये मैंने सारे मसाले निकाले हैं कि ये कल अभी लेकर आएंगे, अभी इसको सारा सेट करना है तो सेट करते पहले मैं चाय पीती हूँ, साथ साथ मसाले भी सेट हो जाएंगे पकड़ें। और गोश्त मेरा गल चुका था तो मैं इसको भी खोल लूँ, सारे काम साथ साथ हो रहे हैं। हाँ तकरीबन गल गए। A few moments later. मैंने अरवी गोश्त बनाया था, रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैंने अम्मी के लिए भी निकाल लिया है क्योंकि उनके काफी सारे बर्तन मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने कहा खाली नहीं भिजवाने चाहिए बर्तन, अच्छा नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी के बर्तन खाली भिजवाओ। मेरी कोशिश होती है कि अगर घर में जो भी बनाए तो बर्तनों में डालकर खाली बर्तन ना भेजे जाए। इब्राहिम उठ जाए और ये नानो के घर ले जाए, शोरबा है घिरे ना। तो बस अभी भी प्लान बना है, शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ थे कि कल मैं जहाँ ग्रॉसरी करने गई थी वहाँ पर मुझे बच्चों के कुर्ते पसंद आ गए थे, उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आया हमने नहीं लिए, तो घर आके मैंने इब्राहिम अहमद से बात की तो वो कह रहे हैं हमें लेने हैं। तो अभी बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, हम भी रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं साथ लेके बच्चों को ताकि साइज़ के आएँ, क्योंकि शलवार कमीज़ ऐसी चीज़ है जो अगर आपके साइज़ की नहीं होगी ना, खासकर बच्चों के साइज़ की, तो वैसे चलने पलने लगेंगे, तो इसलिए साथ लेके जा रही हूँ। तो वहाँ जाती हूँ और जो मैंने पसंद किए थे अगर वही हुए तो लेंगे, अगर वो बिक गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उनमें सेलेक्टेड साइजेस थे, और उसके अलावा जो है ना कलर प्रिंट भी डिफरेंट थोड़े थोड़े कुर्ते थे। जब मैं सुबह में निकली थी तो मैंने इनसे कहा वापसी पे लेते हुए चलते हैं, इन्होंने कहा नहीं अभी मुझे लेट हो रहा है मैंने ऑफिस जाना है, तो शाम करते करते तकरीबन अभी 9:30 हो चुके हैं, 10 बजे वो बंद हो जाता है, तो अभी बस जल्दी से हम जा रहे हैं तैयारियाँ, कुर्ता लेने जा रहे हैं तैयारियाँ। इब्राहिम जल्दी कर लो शूज़ पहनो, हमें देर हो रही है, 10 बजे बंद हो जाएगा। हाँ जल्दी करो, बाबा वेट कर रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में जाने, और आज रश बहुत ही कम है, जब हम 2 दिन पहले आए थे तो रश बहुत ज्यादा था। शूज गंदे हो रहे हैं, रिवो के अंदर मट्टी थी ना, कुछ भी तो मजाक कर रहा था, ऐसे प्रैंक होता है। और मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है, और बहुत से किस्म के, पर जो मेरा पसंदीदा था ना वो बिक चुका है, बाकी ये जो है ना मिक्स टाइप के कपड़े हैं। बेटा ये कपड़ा नहीं अच्छा ना, ये देखो मिक्स अजीब से, नहीं आप लोगों को नहीं पता मिक्स कपड़े नहीं अच्छे होते, ये सारी तकरीबन मिक्स है ना। अच्छा यहाँ पर बहुत प्यारे गिफ्ट रखे हुए हैं, जिस तरह उमरा करने जाते हैं लोग हज करने तो वापसी पे गिफ्ट तोहफा वगैरह देना हो या वैसे भी नॉर्मली तोहफा देना हो, ये बहुत प्यारा लग रहा है। कितने के हैं? प्राइस शो मेंशन नहीं है, लेकिन एक तस्बी है, टोपी है, जायनमाज है, बस जायनमाज, और जायनमाज भी सारे प्यारे प्यारे कलर के, मैरून ब्लैक, 1350 रुपये में सही अच्छा है वैसे यार, खूबसूरत लग रहा है मुझे ये गिफ्ट। क्या वालेकुम सलाम, ये कौन है? नकली है जी। तो हम आगे जा रहे हैं, आगे की साइड भी और भी कुर्ते वगैरह लगे हुए हैं, उस साइड तो सोल्ड आउट हो चुका है जो कुर्ता चाहिए था। इब्राहिम का भी है, मुस्तफ़ा की भी है, अहमद का नहीं, और मैं चाह रही हूँ तीनों का एक जैसा हो जाए, तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अभी मैं देखती हूँ कोई मिल जाए, क्योंकि मैं चाह रही थी तीनों का एक जैसा, मुझे पसंद है बच्चे जो है ना एक जैसे कपड़ों में। मिला है कोई है ज़रा देखें? तो यहाँ पर क्या ये वाला साइज़ क्या है इसका? बात सुने ये देखें, अहमद को बुला के देखें, अहमद को पूछो ये उसका पूरा है, कहाँ गए हैं वो लोग? हाँ जी तो 7-8 ईयर्स है, सही तो है, मिल गया। और ये देखो यहाँ पर सिर्फ ये एक ही रखा हुआ था, है ना? पक्की बात है तीनों के हो गए? हाँ तीनों के हो गए, ये देखो ना, वाह वाह वाह। और मैं अभी डिसाइड हो रही थी, मैंने कहा पता नहीं बिक गया क्या हुआ क्या नहीं, और तीनों का वो बच्चे कहाँ गए उनके साथ लगा कर देखो,
साइज सही है या नहीं। साथ लाए थे उनको साइज के लिए और वो ट्वाइस के पीछे कहीं गायब हो गए, पता नहीं, देखती हूँ। अरे कहाँ गए वो रे? इधर आओ, तीनों आओ, ले इन्होंने अपने अबू का ग्राउंड समझ लिया, ये तुम्हारे बिग ग्राउंड है, तुम्हारे सर पे मारो यार। ये साइज चेक कर लो, हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? सही है, पक्की बात है, इसकी बाजू ना पे। फाइनली बच्चों की ईद की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ईद की शॉपिंग हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत जल्दी है, पर मैं जो ना काम मुका रही हूँ, सियापा मुका रही हूँ, क्योंकि आगे फिर बैल मंडी कुर्बानी शुरबानी इसको पूरे बॉल के साथ लगाओ नापो। हाँ जी सही है, ओके। अच्छा यहाँ पर हमने शलवारें वगैरह खरीदनी थी बच्चों की, साथ ही अलग से सेपरेट मिल रही हैं, और बड़े साइजेस 350 के हैं और छोटे कितने के हैं? छोटे कम ही होंगे या फिर 350 ही होंगे। बड़े 350 के हैं और छोटे जो हैं वो 300 के हैं, पर मसला ये है कि इसके साथ जो है वो ब्लैक जाएगा और वाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, शलवार भी और ट्राउज़र भी है। अगर किसी को चाहिए ना बच्चे के कपड़े खरीदो लो बनवाओ, महंगा पड़ जाता है, सिले सिलाई ठीक रहते हैं, पर हमें यहाँ पर ब्लैक नहीं मिला हुआ। क्या बोला अंकल ने? अंकल ने बोला बॉल महंगी है, आपको नहीं लेके दे रहा कोई बॉल। हाँ क्या बोला क्या अंकल ने, हुआ क्या है मेरे बेटे को? बस बस मेरा बेटा, क्या चाहिए? क्या बॉल चाहिए? तो अंकल ने क्या बोला है, अंकल ने क्या बोला मेरे बेटे को कि बॉल महंगी है? बॉल महंगी है? ओ मोमो चुटके इसको बड़े वाला बॉल चाहिए जो 1500 का है, मेरे ख्याल से 1400 या 1500 का। हम नहीं दिलवा रहे वो बच्चा लोल ये वाली बॉल है जो मुस्तफा को चाहिए, जिसके लिए इतने मोटे मोटे आंसू, क्या कहते हैं, 1 करोड़ का आंसू इस आंख से, 1 करोड़ का आंसू इस आंख से। मैं यहाँ ईद की शॉपिंग करने आई थी और ये लोग यहाँ पर बैड और टॉय देखना शुरू हो चुके हैं, और इब्राहिम अहमद ने बाबा को पटा लिया है, मना लिया है, और ये बैड ले रहे हैं। देख लो एक ही दफा सही वाला जो समझ में आए, फिर ये नहीं कहना घर जाके ये खराब है वो भी। हाँ ये चेंज नहीं होता। आपको क्या क्या आपको फुटबॉल चाहिए? फुटबॉल बेटा महंगा आ रहा है ना, और ये मैं इसका मैं क्या करूँ गंदे बंदे का? इसके बैग में पॉकेट में कुछ है, पकड़ें इसके पॉकेट में कुछ है, ये देखें टिश्यू पेपर किसी ने नोजी साफ करके रखा है तो गंदे नोजियाँ साफ कर करके टिश्यू रखा हुआ है, नोजियाँ साफ की हुई। हाँ जी समझ आ गया, ओके हो गया, चलो एक बॉल भी ले रहे हैं। हाँ 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 वाली ले रहे हैं। बॉल आपके पास कितनी पड़ी हुई है सच्ची सच्ची बताना? मेरे पास पड़ी 2 नहीं, जो बाकी ड्रॉ वाली और जो ऊपर वाइट कोक की रखी हुई वो किसकी है? टोटल कितनी है सच्ची सच्ची बताओ? टोटल 10-12 कितनी? 10-12 फुटबॉल महंगा था और हमने मुस्वा को बोला बैलून ले लो फुटबॉल बना के खेलेंगे, वो राजी हो गए मासूम बच्चे खुश हो गए, जो बैलून पे खुश हो गया। कलरफुल भी हैं, कलरफुल ले लो, सारे कलर्स मिलेंगे। वैसे मुस्तफा को बैलून बहुत पसंद है। कुर्ते ले लिए, हम पूछने जा रहे हैं कि ये श्लिंग तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि कॉटन के, पता नहीं अगर बाद में श्लिंग हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी इनसे पता करते हैं। यहाँ पर इनको कब से बैट सिलेक्शन करने में मसला हो रहा है, फिर दोबारा यहाँ आ गए हैं, साइज उसके लिए आई थी और इनके बैट का मसला नहीं हो रहा। और ये देखो यहाँ पे मुस्तफा ने अपने दोस्त बना लिए, हाँ दोनों अपनी ही जबान बोल रहे हैं। उसका तो शॉपर मिल गया है ना, उसका शॉपर नहीं दिया उन्होंने, इसके जो ना गला बंद कर दिया फांसी उसका गला बंद कर दिया। और आप क्या बोल रहे थे? ये ना ये फेस वॉश है, मैंने यूट्यूब में देखा था, फेस वॉश है जी। ये फेस वॉश मुंह पे लगाओगे ना सारा मुंह आपका ब्राउन हो जाएगा। ये फेस वॉश नहीं है, पॉलिश है जूतों की। गजब बेइज्जती है वैसे हमें। अच्छा मुझे पता ही नहीं था, करके देंगे तो सब पैदल फिर चल चल के जाएंगे। मुस्तफा क्यों नीचे गिरा दिया? मुस्तफा आज आप बहुत खुश हो, हंस हंस के हंस रहे हो। फाइनली घर आ चुकी हूँ और इतनी भूख लग रही है, 11 बज चुके हैं। सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी।
पहले थोड़ा सांस लूंगी, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। उससे पहले पानी सोच लो करना क्या पहले। मैं सोचे समझे बगैर ही बोली जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कभी कह रही हूँ पानी पीऊँगी, खाना खाऊंगी, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, और बस मिलती थोड़ी देर तक। ये कहाँ से जूता हो गया? आराम से उतारते, हमेशा जूता मारते हो इब्राहिम। ये जूते अपनी जगह पे स्टैंड पे लगाओ। ये लो जी। तो बस अभी आई हूँ रूम में और एसी चलाया, खाना खाते ही गर्मी लगी तो मैंने कहा पहले एसी चलाते हैं और फिर यहाँ पर बैठ के हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं। और अभी आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की चाहत, आप लोगों की मोहब्बत का। और इतने प्यारे 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 मैसेज होते हैं जिन्हें मैं पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और बस ये कि इसी तरह का अपनापन आप लोगों के साथ मेरा बना हुआ है, ये रिश्ता हमारा कायम रहे। तो बस इसी तरह अच्छे अच्छे मैसेज करते रहें, मैं आप लोगों के सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ। और बस मुझे दुआओं में याद रखें। और उसके अलावा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है। अगर ये व्लॉग देख लिया तो इसे जल्दी से लाइक कर दें। बस ये कि मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जिस दिन मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई थी मैंने ये साबुन लिया था और मैं आप लोगों के इसका रिव्यू दूँ, ये बहुत बेहतरीन साबुन है। प्लेन हो जाती है, स्किन मुलायम हो जाती है। और ये 160 या 150 के लगभग था और पपाया के नाम से हर्बल है, तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा गर्मी और इस मौसम के हिसाब से भी, दोनों मौसम के लिए वैसे बेहतरीन है। इसका रिव्यू जो मैं दूँगी ना वो बेहतरीन बोलूँगी।